कि अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा। इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ऊपर पड़े। को वापस बुला लिए। हाँ बुला लिए भैया। हमें रिस्क नहीं लेना है। यही कोई लड़का कर देता है तो ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न लाद देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। पति को तलाक, इन्हीं का कहना है लड़का तलाक देगा तो दूसरे से चक्कर है। यही वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, कह तो रही है मेरा पति तलाक ले लो। यही पत्नी पे भरोसा? ना 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 ना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ज्योति मौर्या के केस में एक नई न्यूज निकल के आ रही है कि दोनों के बीच समझौता पक्की हो गई है। ज्योति मौर्या पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या को मिली बड़ी राहत, बंद होगी जांच, आलोक भी लेंगे अब चैन की सांस। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जाँच बंद हो सकती है। पति आलोक मौर्या भ्रष्टाचार के संबंध में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। इसके साथ ही अपनी शिकायत वापस लेने के मामले में कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। उधर ज्योति मौर्या द्वारा भी धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्या और ससुराल पक्ष के लोग दर्ज उत्पीड़न के केस वापस लेने की चर्चा में है। सूत्रों की माने तो ज्योति मौर्या आलोक मौर्या के बीच समझौता हो सकता है। आलोक मौर्या के द्वारा ज्योति मौर्या के खिलाफ शासन से की गई भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए शासन ने कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत को जांच करने का आदेश जारी किया था। कमिश्नर ने अपर आयुक्त प्रशासन अमृत लाल बिंद के नेतृत्व में 3 सदस्य जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने आलोक मौर्या से भ्रष्टाचार के संबंध में की गई शिकायत के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके लिए आलोक ने कमेटी से 20 दिन की मोहलत मांगी थी। 20 दिन की मोहलत पूरी होने के बाद कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर आलोक मौर्या ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था, जिसके बाद जांच कमेटी ने मामले की जांच को बंद करने का संस्कृत कमिश्नर से की है। इस मामले में कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बताया कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उससे शासन को भेजा जा रहा है। तो आप ये बताइएगा कि ये कमेंट बॉक्स में आलोक मौर्या ने केस वापस लेकर सही किया कि गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।